प्रश्न नंबर 40 है, 40 नंबर प्रश्न है आपका। अब तो इसमें लिखा हुआ है समकोण सी ए बी को प्रकार द्वारा 3 समान भागों में बांटो। तो ये भी समकोण ही है, पिछला भी समकोण ही था, उसको 4 बराबर भागों में बांटा था, ये भी समकोण ही है, तो इसको अब आपने 3 बराबर भागों में बांटना। तो सबसे पहले आपको समकोण बनाना पड़ेगा। समकोण बनाने के लिए आपको अब पता लग ही गया है कैसे समकोण तैयार करते हैं। तो देखिए, ए पॉइंट के ऊपर हमने ए को केंद्र मानना है और यहाँ से एक चाप लगानी है, ऐसे चाप लगाने, छोटे डॉट लगाने हैं, छोटे छोटे डॉट लगाएं ऐसे। अभी आपका कोई भी पॉइंट लगा लें इसको, इसका नाम हमने पी रख दिया, ये क्यू आ गया, क्यू के ऊपर से फिर हमने एक और चाप लगानी आगे की तरफ को। अब यहाँ हमारे पास ये समकोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा ऐसे। 90 डिग्री का कोण तैयार करना है आपने भी, और इस कोण का नाम रखना आपने सी ए बी। अब आपका सी ए बी समकोण हो गया। अब इसके 3 बराबर भाग करने हैं, तो पिछले वाले कोण में तो हमने किया था वो 90 के 4 भाग किए, तो एक भाग जो था 22.5 डिग्री का आया था, लेकिन इसमें अब 3 बराबर भाग करने हैं। तो देखिए, 3 90 के 3 बराबर भाग हो जाएंगे 30, 60 और 90। तो हमें 30 का कोण बनाना पड़ेगा, 60 का बनाना पड़ेगा और 90 का बनाना पड़ेगा। 90 का बना हुआ है, ये 60 का भी हमारे पास बना हुआ है, तो ये 60 का तो हम ऐसे मिला देंगे, ऐसे ये मिला दिया हमने 60 का, ये हमारा पॉइंट बन गया क्यू और ये बन गया हमारा डी। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये 60 का है और इसके आगे ये 30 का है, यहाँ से यहाँ तक, समझ ले बात को, यहाँ से यहाँ तक 60 का है और यहाँ से यहाँ तक 30 का है। इसका भी नाम डाल देते हैं हम, इसका नाम डाल दिया एस, इसका टी, इसका एन, ऐसे कुछ नंबर डाल दिए कि अब ये जो 30 है, इधर से जो 60 है, ये टोटल 90 है। तो हम जो प्रकार खोलते हैं ये 60 डिग्री की होती है, जो हमने खोली है, हमने पहले चाप काटी है, ये 60 की है। अगर ये 60 अगर हम इधर से काट लेंगे 90 के ऊपर से, ऐसे काट लेंगे यहाँ से, जहाँ कटेगा ये पॉइंट, यहाँ कट रहा है, ये पॉइंट आ गया, इसके आगे यहाँ से यहाँ तक 60 आ गया, आगे 30 बच जाएगा। तो आपको अब अलग कोण बनाने की जरूरत नहीं, इसी चाप की सहायता से आप इसके बराबर बराबर 3 बराबर भाग कर सकते हैं। इसका नाम हमने एम रख दिया, इसका हमने नाम इस यहाँ पे डी रख दिया, ऐसे कुछ नाम रख दें के। इस तरह आपका ये प्रश्न नंबर 40 कंप्लीट हो जाएगा।